हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं हम स्टार्ट यहीं से। तो गाइस आज मैं जल्दी आ चुका हूँ, अहमद और गुलाम उस वक्त बिल्कुल नहीं आया अभी तक, क्योंकि मैं वो लेट थे थोड़ा। मैंने जाना था एक पार्टी में, तो एक रिटायरमेंट पार्टी है चार लोगों की। हमारे ऑफिस में चार लोग रिटायर हुए हैं, उन्होंने उनके लिए हमने पार्टी रखी हुई है। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे। शहबाज भाई को हमने कॉल की थी, मैं और शहबाज भाई दोनों एक ही ऑफिस में होते हैं। तो शहबाज भाई कह रहे हैं मैं डी ग्राउंड घूम रहा हूँ, तो उधर से मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट वहाँ पर पार्टी में, तो आप भी पार्टी में आ जाओ। तो अभी शहबाज भाई लग जा रहे हैं, मैं लग जा रहा हूँ, मैं भी यहाँ से पार्टी में जा रहा हूँ। तो दुकान पर तो अभी तक कोई नहीं है, ये देखें दुकान में कोई भी नहीं है। दुकान भी मैंने खोली है, अभी मैं जा रहा हूँ पार्टी में, तो आपको दिखाते हैं। मुस्तफ़ा रहमान का काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन मैं लेट हो रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ, दुकान बंद करेंगे, पार्टी पे जाते हैं, फिर वहाँ से दिखाते हैं आपको। दुकान की लाइटें बंद कर दी हैं, यहाँ से लेना अपना ग्लासेस, बाइक की चाबी, मेन स्विच भी बंद कर देते हैं। गाइस ऑफिस पहुंच गए हम, तो हमारा ऑफिस है पीछे। इशबाल भाई आ गए हैं, अपनी बाइक हमने वहाँ पे लगा दी है, इशबाल भाई की बाइक पे जा रहे हैं। हाँ जी इशबाल भाई, आप कहाँ से आए हो आज? हमें शॉप पे क्यों नहीं लेने, काम गए थे आप, वेले बिजी हो आप लोग, और उधर लड़कियों के स्कूल को छुट्टी हो गई है। इशबाल भाई खड़े तो नहीं होना आपने? नहीं होना, चलो जी। अभी हम जा रहे हैं ताज होटल ढूंढ रहे हैं, अभी भी हमें कोई पता नहीं है ताज होटल कहाँ पे, लेट हो चुके हैं पहले ही। तो गाइस कोई हमें इतना ढूंढना नहीं पड़ा, एक लोग दूसरे रोड पे आए हैं, वहाँ पे हमें ये देखो मिल गई है ताज मार्ग की। ताज महल है वैसे ये, ताज महल कोई नहीं, लेकिन मसला कोई नहीं है, वहाँ पर हमारा वो मीटिंग है जो और पार्टी है। शहबाज भाई भी साथ हैं, और कोई नहीं है, ग्लासेस मुझे लगा लेने चाहिए, थोड़े अच्छे लग रहे हैं यार ग्लासेस। शहबाज भाई वहाँ पे बैठ गए हैं अंदर, उन्होंने फुल सजावट की है। शहबाज भाई बाहर बैठ गए हैं। शहबाज भाई अंदर क्यों नहीं बैठ रहे जाके? अंदर क्यों नहीं बैठ रहे आप, जल्दी बताओ। अभी कोई आया ही नहीं, अभी कोई आया नहीं है। अच्छा, हम मतलब कि जिन्होंने दावत की है वो नहीं आए, दावत खाने वाले पहले आ गए। दावत की है जिन्होंने वो अभी तक नहीं आए, हम पहले पहुँच गए। 2 बजे का टाइम था, 2 टाइम क्या हो गया अभी, टाइम मेरा ख्याल 2:30 बज गए। हाँ जी, की खड़ी है? अच्छा अच्छा, टाइम की हो गया, तुसी दस दो जी। 2:30 बज गए, 2:30 बज चुके हैं अभी तक, लेकिन भूख नहीं लगी। क्यों? क्योंकि मैं अभी नाश्ता करके आया हूँ, आज बहुत लेट था। चलो जी आइयो, आओ वो नहर से बच्चे ना आ रहे, इधर आओ, इधर आओ। शुभ दो, हम अब नहर में जा रहे हैं माछियाँ पकड़ने। गाइस हम नहर में आए हैं, हमने कहा कोई बच्चे बच्चे ना आ रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। हमें ना एक वो बंदा, हमने अक्सर देखता है यूट्यूब पे देखा था कि वो पानी के ऊपर चल रहा है ये वो, आज आपको हमने वो बंदा भी दिखा देना है। यशपाल भाई पेपर पकड़ो थोड़ा, ये नहर में ना बैठ देना, बहुत जरूरी कागजा। यशपाल भाई मेरे साथ आएंगे, देखे नहर में कोई नहीं है, लेकिन वो बंदा चल रहा है भाई पानी के, अभी तो उसने पकड़ लिया साइड पर, पहले पानी के अंदर चल रहा था, इधर से नज़र ही नहीं आ रहा, दूर है ना थोड़ा। वो नहर की सफाई कर रहा है, नहर को धो रहा है वो, देखो 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 ऐह ऐह, और निकला बाहर। ओए ओए बूट तो होंगे जादू वाले बूट है, और देखो बाबे तुसी कितने चले हैं? यहाँ पे अभी हमारा जाना बनता है, क्योंकि यहाँ पे एरोप्लेन बहुत ज़्यादा है, हर जगह एरोप्लेन बैठे हुए हैं। अभी जाते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, खाना शाना खाते हैं। गए थे वहाँ पर नहर तक गए थे, तो अब देखें बूट ना मिट्टी के साथ पूरा मिट्टी कटा हो गया बूटा में। पार्टी दे आए हैं, देखो जा रहे हैं अंदर, सामने भी दिखा दे। आज शहबाज भाई, शहबाज भाई आइयो तेज, सलाम क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक आप ना? ये देखें जी 1 एंड ये हमने दरवाज़ा खोला, ओके चेक करो। पार्टी शार्टी अच्छी है, बाद में मिलते हैं खाने के टाइम। मेरे पास भी मस्त है, पार्टी में आ गया, मोबाइल में स्नैपचैट की माँ बहन कर रहे हैं।
भाई क्योंकि ये जो हालात जा रहे हैं इन हालात में नौकरी को अमल करके फेरो से घर जाना भी बहुत बड़ा आराम है। मैं दुआ हूँ कि अल्लाह ताला इनकी जो बाकी गाइस खाना हमने खा लिया है, अभी हम होटल से निकले हैं। मैंने शुभाष भाई ने अभी यहाँ खाना चल रहा था, हमने उसका खाना खा गया, अभी बाहर निकले। ये शुभाष भाई देखें भाई, आंधी चल पड़ी है बहुत। नहीं देखो दादा नहीं टूटेगी, ये तो बदे नहीं है, चेक कर। दे दे पैसे दे, इदा हक नहीं खाई किसी, पैसे दे दे जल्दी, तेन दसदा पे चाचा। और देख लो चाचा इन यार इदा नहीं करीदा, हाँ पैसे कट जल्दी। आ देखो कैमरे का कमाल आ, देखो उदा नहीं दुनिया जीन दें दी। देखो फिर है टूटे चल। हाँ जी पैसे तो आते हैं शुभाष भाई को, पैसे नहीं दे रहे थे। हेलो जी सर आ रहे सारे एक्सीन ऐसी ये वो। कौन जा रहा बोल, पैसे दबा किधर जा रहे, मेरी गाड़ी कहाँ पे है? जी साहद भाई ये हमारे साहद भाई हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं हमारे और सीनियर भी हैं हमसे बहुत ज़्यादा। वो देखो शुभाष भाई कहाँ चुप के देख रहे हैं। अच्छो मैं गाड़ी खड़ी की हुई है ऑफिस में और शुभाष भाई घर चेक करें, मैं पैदल जाता हूँ। शुभाष भाई देखो गाड़ी आगे के लेके जा रहे, कोई बात नहीं, मैं खाना समझ जाएगा शुभाष भाई को, यही तो पता नहीं है मेरा खाना समझ आना है ऐसे दुकान में पहुँचते पहुँचते मैं फुल भूख लगनी है, वो डेली की रूटीन वही ना अंडी फिर मुझे लगता है खानी पड़ती है। बस भाई ना अच्छा नहीं करते मेरे साथ। तो अभी मैंने मटन खाया और गड्डी वाले तेनों की मसला है, सही है सही है, कोई नहीं कोई नहीं, वो तो तेने कुत्ते ही खाएंगे। और देखो कुत्ते खाने कुत्ते नाल ही आ गए, शुभाष भाई के 30 रुपये लगवा दिए मैंने पार्किंग के। शुभाष भाई कह रहे 30 रुपये का आपको चला के लेके जाना है, क्या कर सकते हैं आप, अपनी बाइक उधर खड़ी कर दी है। लेकिन खाना हजम हो रहा है, इंजॉय हो रहा है, ठंडा मौसम है, हवा चल रही है, बस मिट्टी घट्टा भी नहा लिए। गाइस मौसम बहुत ही अच्छा हो गया, हवा चल रही है बहुत तेज़, और ये देखें भाई बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, ये देखें रोड पे अभी इतनी ज़्यादा बारिश होनी शुरू नहीं हुई लेकिन ना मौसम बहुत अच्छा हो गया। देखें चेक करें यार फैसलाबाद का मौसम बहुत अच्छा हो गया, आप कौन सी सिटी में रहते हैं कमेंट्स में बताएं उधर का मौसम कैसा है। ये देखें बहुत अच्छा मौसम। और एक बात और है कि आज हमारा ना एक भाई आए हैं सब्सक्राइबर, एक और आ गए हमारी शॉप पे हमसे मिलने के लिए आए हैं, आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक ठाक हो, क्या नाम है भाई आपका? सामा। और भाई कैसे हो, ठीक हो, हमसे मिलने आए हैं सब्सक्राइबर हमारे। बिल्कुल भाई बिल्कुल। अच्छा और सुनाओ क्या ख्याल, शुक्रिया भाई शुक्रिया, माशाल्लाह भाई कह रहे हैं कि बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं यार, आप भी लाइक करें कमेंट्स करें वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मुझसे मिलना है तो मेरी शॉप है रहमानिया रोड पे, मैं नीचे एड्रेस लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मिल सकते हैं यहाँ पे आ गए बडीज बार्बर शॉप, यहाँ पे आए, यहाँ पे काम भी बहुत अच्छा है। मेरा साथ जो मेरा छोटा भाई है ये यहाँ पे काम करता है, मतलब कि शॉप इसकी ही है, बादशाह काटता है वो। देखें अभी एक और भाई हमारे काम करवा रहे हैं, और ये वाले भाई आए हैं, इनके भी हम कटिंग करने लगे हैं, इनको कहा हमें वैसे नहीं जाना कटिंग करवा के यहाँ से जाना है, और ये कटिंग करवा के इनका काम को ये भी आपको दिखाते हैं सारा। बाद भाई हमारे साथ ही हमेशा, ये हमारे सब्सक्राइबर की कटिंग हो रही है, देख ही नहीं पता यार। ये है हमारी खुशकी बोरी वाली, लेकिन है थोड़ी सी सुथरी, मुस्पा था फुल, मुस्पा कह रहा कि मैं ब्लॉगिंग में आ रहा हूँ आजकल, वो मुस्पा ने देख करें आज से वो भी पहनना शुरू कर दिया सेल्फ एम्प्रल अपना। ये देखिए जी हमारे सामा भाई का बियर्ड स्टाइल भी हो गया, कटिंग भी हो गई, हेयर पॉलिश लग गई है,
और सामा भाई कैसा लग रहा है आपको कटिंग करवा के? अच्छा रिस्पॉन्स मिला आपको यहाँ से? अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मुस्तफा की भी मैंने बड़े प्यार से बड़े अच्छा काम किया। अच्छा, तो आप किसी को रिकमेंड करेंगे आगे के स्टॉक पे जाएं? अच्छा ये चलो ठीक हो गया। ये देखें, ये सामा भाई की कटिंग हो गई है, अब हेयर स्टाइल बन रहा है सामा भाई का। गाइस अब हम बाल कटवाने लगे हैं, तो बाल थोड़े बड़े हो गए ना, गर्मी भी ज़्यादा है। आपको पता है रफ से दो दिन से मेरे बाल बहुत खराब लग रहे हैं। अभी पीछे मुस्तफा मेरे बाल काटने लगा है जी, तुम की कर दे कल मुस्तफा मेरे पास है, ये देखें मुस्तफा भी मेरे बाल काटने लगे हैं, तो कटिंग करवा के फिर आपको दिखा। तो गाइस ये कटिंग वगैरह हमने करवा ली थी, साथ वो जो बाल थे मेरे गोल्डन से वो भी ठीक करवा लिए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये शाह भाई ठीक करवा लें, हम तो कटिंग शटिंग करवा ली। हमारी दुकान पे तो लाइट बंद थी, वहाँ पे ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है बारिश की वजह से। ये हमारे कज़न है राव बास साहब, राव तलहा साहब, खाना खा रहे हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, घर जाने के लिए भी हम लेट हो गए। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स में बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।